हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है उसके इंडेक्स क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5.1, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीमो चॉप्सन। तो फिजी चॉप्सन एंड कीमो चॉप्सन में डिफरेंस हम पहले ही बता चुके हैं, तो आपको कोई दो डिफरेंस जो है नोट करने हैं। तो पहला डिफरेंस तो आप ये नोट करिएगा कि जो हमारा एडजॉर्बेंट होता है और जो हमारा एडजॉर्बर होता है, दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कीमोजॉर्प्शन का मतलब होता है कि एडजॉर्बर और एडजॉर्बेंट के बीच केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि यहाँ पे हीट जो रिलीज होती है वो 82-240 क्लोजूल पर मोल होती है। तीसरा ये है कि यहाँ पे जो है वो एडजॉर्बर की जो है वो सिंगल लेयर बनती है, सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होता है, और जो हमारा कीमोजॉर्प्शन है वो हाईली स्पेसिफिक नेचर होता है। कीमोजॉर्प्शन जो है उसी एडजॉर्बर में होगा जो एडजॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आप नोट कर लेना। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5.2, व्हाई डज फिजीजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो सपोज कि ये हमारा एक सॉलिड सरफेस है, ये एक मेटल प्लेट है, और यहां पे हमने एक सिलेंडर में जो है वो गैस ले रखी है। अब ये गैस जो है वो इस सरफेस पे क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है। तो जब गैस एडजॉर्ब होगी तो गैस और मेटल के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम वैन डेर वाल्स फोर्स बोलते हैं। तो जब ये गैस एडजॉर्ब होती है सरफेस पे तो हीट जो है वो रिलीज होती है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी, फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब हुए थे वो क्या हो जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे, वो सरफेस को छोड़ देंगे। तो हाई टेम्परेचर पे हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये हमारी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हाई टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल नहीं होगा, लो टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए फेवरेबल होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, Why are powdered substances more effective adsorbents than their crystalline forms? तो जो हमारा powdered form होता है वो crystalline form से ज़्यादा effective adsorbents क्यों होता है, उसका क्या reason है? तो देखो जरा, जो हमारी adsorption process होती है वो एक surface phenomenon होती है। Surface area जितना ज़्यादा होगा adsorption उतना ही ज़्यादा होता है। तो जो हमारा adsorption है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो एडजॉर्प्शन भी कैसा होगा, हाई होगा। सपोज कि ये हमारा एक मेटल है और इस मेटल पे ये सिलेंडर में भरी गैस जो है वो एडजॉर्ब होनी है, अब क्या होगा, गैस तो एडजॉर्ब होगी सरफेस पे केवल, अब क्या करते हैं, अगर हमने इस मेटल के 4 पीस कर दिए, तो 4 पीस कर दिए तो हर पीस ऐसा बनेगा, ये सेकेंड पीस, ये थर्ड पीस और ये फोर्थ पीस। तो अब यहां पे गैस जो है वो एडजॉर्ब होगी, तो अगर हम देखें तो ये हमारा पहला मेटल था, अब ये एरिया देखो, ये एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया, तो मतलब एडजॉर्प्शन जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। तो अगर इसको हमने एकदम पाउडर फॉर्म बना लिया तो पाउडर फॉर्म बनाने पे क्या होगा, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा,
अब गैस के पार्टिकल्स जो हैं ऐसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5.3 हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5.4 है, इन हैवर्स प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग मीथेन विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऑक्साइड एज कैटलिस्ट, द प्रोसेस इज नोन एज स्टीम रिफॉर्मिंग, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय हैवर प्रोसेस। तो जो हमारी हैवर्स प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया जो है वो कैसे बनती है ये देखो जरा। तो सबसे पहले हम हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन देखेंगे। तो हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। से बनता है अमोनिया, इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज होगी -24 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पे आयरन जो है वो कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम जो है वो कैटालिटिक प्रमोटर होता है। यहाँ पे टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर जो है वो 200 एटमोस्फेरिक होता है। तो यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट का रोल क्या है, तो सपोज कि ये हमारा आयरन कैटलिस्ट है। अब आयरन कैटलिस्ट पे होता क्या है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों गैसें जो है वो एडजॉर्ब हो जाती हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस दोनों एडजॉर्ब हो गई तो क्या करेंगी, ये रिएक्ट करेंगी आपस में और अमोनिया बनाएगी। अमोनिया का डिजॉर्प्शन होता है, अमोनिया बाहर निकल जाती है, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगी, फिर अमोनिया बनेगा, अमोनिया बाहर निकलेगी, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगी। तो आयरन कैटलिस्ट पे क्या होता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है जिससे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया बाहर निकलेगी, फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगी, फिर अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया बाहर निकल जाएगी, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। यहाँ पे मोलिब्डेनम हमारा कैटालिटिक प्रमोटर होता है जो कि आयरन की एक्टिविटी को इनहेंस करता है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। अब हाइड्रोजन का जो सोर्स है वो कहता है कि हाइड्रोजन हमने लिया व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम, मीथेन को स्टीम से रिएक्ट कराया निकिल ऑक्साइड कैटलिस्ट में, तो ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3H2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, वो इस रिएक्शन के थ्रू हमको हाइड्रोजन मिल रही है, तो ये हाइड्रोजन हमको यहाँ से मिली। अब चूंकि इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हमें दूर रखना है हैवर प्रोसेस से, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दूर नहीं किया तो गड़बड़ क्या होगी कि जो हमारा आयरन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज्यादा एफिनिटी शो करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके FeCO5 पेंटा कार्बोनाइल आयरन कंपाउंड जो है वो बनाएगा। अगर ये कंपाउंड बन गया तो फिर आयरन जो है फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर नहीं पाएगा और एडजॉर्ब नहीं कर पाएगा तो फिर रिएक्शन हमारी कैसी होगी, बहुत 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 स्लो होगी। तो इस रिएक्शन में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करना होता है, दूर रखना पड़ता है हैबर प्रोसेस से, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, वो आयरन के साथ पेंटा कार्बोनाइल आयरन जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगी, जिस कारण हमारी रिएक्शन जो है बहुत स्लो हो जाएगी। इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन की तरह जो है वो काम कर रहा है और ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा पेंटा कार्बोनाइल आयरन जीरो। यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी, तो हमने जीरो लिखा। और आखिर में एक काम और बचा है इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो यहां पे आप 5 लगाओगे तो 5 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.5 है, व्हाई इज द एस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो इन द बिगिनिंग एंड बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम। तो जो हमारा एस्टर है तो ये एस्टर हमारा कहलाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर,
इसका हाइड्रोलिसिस करना है वाटर के साथ, तो ये बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एसिड बनेगा और आर ओ एच बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो इसको अगर हम आर डैश मान लेते हैं तो हमारा आर डैश ओ एच होगा। तो ये वाला पार्ट तो बनाएगा हमारा एसिड का और ये वाला पार्ट बनेगा एल्कोहल का। अगर मान लीजिए हमारा एस्टर होता सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, इसको हम बोलते हैं इथाइल इथेनोएट। आप इसको इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हो। तो ये तो हमारा आईयूपीएसी नेम है और ये हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। वाटर जो है वो रिएक्ट किया, तो वाटर आयनाइज होता है एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव में, तो एच पॉजिटिव जो है वो इस ऑक्सीजन की लोन पेयर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा हमारा सी टू एच फाइव ओ एच, ये तो एल्कोहल बन जाएगा, ये एच पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा, ठीक है जी। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट से बन जाएगा एसिड। तो ये बन गया हमारा एसिड। अब चूंकि ये एसिटिक एसिड है तो ये आयनाइज होगा सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव में, तो ये हाइड्रोजन आयन जो है वो इस रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है, जिस कारण ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होने लगती है। स्टार्टिंग में तो ये रिएक्शन जो है वो हमारी स्लो होती है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन बना हुआ है, इस हाइड्रोजन आयन बनने के कारण ये रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है। तो ये हमारा हाइड्रोजन आयन जो किसी रिएक्शन में बना हुआ है, तो इसको ऑटो कैटलिस्ट के थ्रू हम कहते हैं कि ये रिएक्शन हमारी फास्टर हो जाती है आफ्टर सम टाइम। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5.6 है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिजॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। तो डिजॉर्प्शन का रोल जो है वो कैटालिसिस में क्या होता है, तो देखो जरा ये हमारी हैबर प्रोसेस है, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो गैसें हैं वो आयरन कैटलिस्ट पे क्या होती हैं, वो एडजॉर्ब होती हैं, जिस कारण अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन जो है 450 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है और यहाँ पे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है। यहाँ पे मॉलिब्डेनम जो है वो कैटलिटिक प्रमोटर होता है। अब देखो जरा ये हमारी आयरन सरफेस है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या हो रही है, एडजॉर्ब हुई, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो ये गैसें आपस में क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी, क्या बना, अमोनिया बना। अब जैसे कि अमोनिया बनेगा क्या होगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिर से एडजॉर्ब हो जाएगी, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुई, अमोनिया बना, अमोनिया का डिजॉर्प्शन हुआ, तभी तो नए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे, अटैच होंगे। तो आयरन की जो सरफेस है वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के लिए तो फ्रेंडली होती है, जहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का तो एडजॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन ये सरफेस अमोनिया के लिए फ्रेंडली नहीं होती, इस कारण यहाँ पे अमोनिया का एडजॉर्प्शन नहीं होता, अमोनिया का क्या होता है, डिजॉर्प्शन होता है, अमोनिया बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5.6 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.7 है, व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन दी हार्डी-सोल्जर रूल। जो हमारा हार्डी-सोल्जर रूल है उसके लिए आप क्या मॉडिफिकेशन जो है वो सजेस्ट करोगे। तो जो हमारा लायोफोबिक सॉल्ट होता है वो या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इस पे Fe प्लस 3 की लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिस कारण ये सॉल्ट जो है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये हमारा पॉजिटिव सोल हो गया,
और आर्सेनिक सल्फाइड, इस पे सल्फाइड माइनस टू आयन की लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिस कारण ये नेगेटिवली स्टोर हो जाता है, नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया। अब क्या होता है कि अब फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल जो है वो इस कंटेनर में भरा हुआ है। अब चूंकि ये सोल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये लायोफोबिक सोल हमारा कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये कभी सेटल नहीं होगा। ऐसे यहां पे ये सोल अगर इस कंटेनर में भरा हुआ है, तो चूंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये सोल हमारा कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस कारण ये भी सेटल नहीं होगा। अब हार्डी सोल ये रूल क्या कहता है कि अगर हमारा लायोफोबिक सोल है और उसमें आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, सपोज कि इसमें हमने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो चूंकि ये पॉजिटिव सोल है तो यहाँ पे क्लोराइड आयन क्या करेगा, Fe प्लस 3 से कंबाइन होके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इनके चार्ज जो है वो खत्म हो जाएंगे, चार्ज खत्म हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, ये आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और हैवी मास बना लेंगे, जिस कारण ये सेटल हो जाएंगे। ऐसे यहां पे अगर हमने NaCl डाला तो इसका सोडियम पॉजिटिव आयन जो है इस सल्फर माइनस टू से रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे और हैवी मास बना के क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। तो अगर हम लायोफोबिक सोल में कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उस सोल का कोएगुलेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसी को हम हार्डी सोल्जर लॉ कहते हैं। अगर हम ऐसा करें कि एक बड़ा सा बीकर लें और उस बड़े से बीकर में हम दोनों सोल फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड आर्सेनिक सल्फाइड को क्या करते हैं, डालते हैं, तो भी दोनों सोल जो है वो म्यूचुअली क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, इनका कोएगुलेशन जो है वो हो जाएगा और ये सेटल होकर क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे। अब प्रेसिपिटेट जो बना हुआ है, अगर उसकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से जो है वो ज्यादा है तो सेटल होगा, अगर डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगा, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट आपका फ्लोट भी कर सकता है और सेटल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी जो है वो कितनी है, अगर लिक्विड से ज्यादा है, सोल्यूशन से ज्यादा है तो सिंक हो जाएगा, और अगर कम है तो फिर फ्लोट करेगा। तो हार्डी सोल्जी लॉ में हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर हम दो अपोजिट सोल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, तो दोनों सोल जो है वो कोएगुलेट हो जाते हैं, दोनों सोल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, तो हमको यही स्टेटमेंट जो है वो हार्डी सोल्जी लॉ में ऐड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5.8 है, व्हाई इज एसेंशियल टू वॉश द प्रेसिपिटेट विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली। तो देखो जरा, ये जो हमारा फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन है, ये एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें आप एनिमेट डालोगे तो ये FeOH होल थ्राइस और NaCl बना लेगा, इक्वेशन को हम कर लेते हैं बैलेंस, तो ये हमारा रेड स्ट्रॉन्ग प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाता है। अब क्या करते हैं, जब हम एक बीकर में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड लेते हैं FeOH होल थ्राइस और वाटर ले लिया, तो अभी तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, लेकिन जब आप इसमें थोड़ा सा FeCl3 डाल देते हो, ऐड कर देते हो, आपने ये ऐड कर दिया, तो होता क्या है कि जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर जो है ये फेरिक क्लोराइड के Fe+3 की लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, तो दोनों में से जो कॉमन होता है उसी की लेयर जो है वो डिपॉजिट होती है, वही आयन जो है वो डिपॉजिट होता है। तो यहां पे Fe+3 और OH नेगेटिव, तो यहां पे क्या कॉमन है, Fe+3 कॉमन है, इस कारण क्या डिपॉजिट होगा, Fe+3 लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। अब Fe+3 की लेयर जो है वो डिपॉजिट हो गई, तो ये सोल हमारा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब चूंकि चार्ज आ गया तो ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर रहेंगे, अब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, तो ये हमारा पॉजिटिव सोल जो है वो बन जाता है।
पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन जो है यहाँ पे बन गया। अब क्या करते हैं, अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड ये प्रेसिपिटेट है, इसको आपको एस्टिमेट करना है, तो इसको वाटर से वॉश करते हैं, ऐसा ना हो कि कोई आयन जो है इस पे स्टिक रह जाए, और स्टिक रह जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये मास भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसके मास में ऐड हो जाएगा, जिससे आपका एस्टिमेशन जो है वो रॉन्ग आएगा। तो हम वाटर से वॉश कर लेते हैं इस प्रेसिपिटेट को, ताकि इस पे जो भी अटैच्ड जो भी एडजॉर्ब आयन है वो क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए, वो पानी के साथ बह जाए, ताकि हमारा एस्टिमेशन जो है एकदम करेक्ट आए। हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5.1, डिस्टेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ द टर्म एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो हमें एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस जो है वो बताना है। तो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस होता है वो होता है DPRE, डेली पुलिस राइज अर्ली। तो डी मतलब होता है डेफिनेशन, पी मतलब होता है फिनोमिनन, आर मतलब होता है रेट, और ई मतलब एग्जांपल। तो सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन बतानी है, फिर फिनोमिनन बताना, फिर रेट बताना, और फिर एग्जांपल बताएंगे। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पैदा करती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे। तो एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होगी, तो जब किसी सॉलिड सरफेस पे, तो ये सरफेस जो है वो कैसी है, सॉलिड है, ये सब्सटेंस कैसा है, ये सॉलिड मटेरियल है। तो जब किसी सॉलिड सरफेस पे कोई लिक्विड या फिर कोई गैस जो है वो केवल और केवल सरफेस पे एडजॉर्ब होती है, तो इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और अगर किसी सॉलिड पे किसी सॉलिड में जो हमारे लिक्विड या फिर गैस हैं वो सरफेस के साथ साथ जो अंदर का वॉल्यूम है वहां भी पेनिट्रेट हो जाते हैं, वहां भी पहुंच जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल, जो हमारा रसगुल्ला होता है, जो हमारी जलेबी होती है, उसको हम सीरे में डालते हैं, तो क्या होता है कि सीरा जो है वो रसगुल्ले के अंदर, जलेबी के अंदर जो है वो चला जाता है, तो सीरा जो है वो रसगुल्ले के अंदर, जलेबी के अंदर जो है वो पहुंच जाता है, तो इसको तो हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हम चाशनी में प्लास्टिक की बॉल डालते हैं, तो फिर क्या होगा, जो सीरा होगा वो केवल और केवल सरफेस पे स्टिक रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन जो है वो केवल और केवल सरफेस पे होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो सॉलिड के इंटायर वॉल्यूम में होता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सरफेस फिनोमिनन है और ये हमारा बल्क फिनोमिनन है। तो चूंकि ये सरफेस पे होता है, तो ये हमारा सरफेस फिनोमिनन है और ये हमारा बल्क फिनोमिनन है। अब हम रेट की बात करते हैं, तो एडजॉर्प्शन में जो लिक्विड और गैस जो एडजॉर्बर हैं, और सॉलिड हमारा क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा, तो ये हमारा एडजॉर्बेंट है सॉलिड और ये हमारे एडजॉर्बर है। तो एडजॉर्प्शन में रेट जो है स्टार्टिंग में फास्ट होता है, बिगिनिंग में तो फास्ट होता है, आफ्टर सम टाइम ये स्लो होता जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में जो रेट है, एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। फिर हमारा एग्जांपल है, जो हमारा सिलिका जेल, अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो ये SiO2 होता है, तो इस पे वाटर वेपर या जिसको हम मॉइस्चर बोलेंगे केवल सरफेस पे डिपॉजिट होगा, और जो हमारा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहां पे जो वाटर वेपर है
वो कैसा होगा, वो वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा, और इतना एब्जॉर्प्शन होगा कि इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। अगर हम एक बाउल में कैल्शियम क्लोराइड जो है वो रख दें और करीब 8 से 10 घंटे बाद वापस लौटें, तो हमें लगेगा कि किसी ने इस बाउल के अंदर जो है वो पानी भर दिया है। मतलब ये कैल्शियम क्लोराइड इतना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे तो कैल्शियम क्लोराइड ने वाटर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और यहाँ पे सिलिका जेल ने वाटर को क्या किया, एडजॉर्ब किया। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस होते हैं एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 5.2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। तो हमें फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन में डिफरेंस बताना है। तो जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसको हम फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं, और जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसको हम केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस को हमने कैसे याद किया था, तो इनके डिफरेंस को हमने याद किया था सोनाक्षी सिन्हा डेंटल फेडरेशन इन पंजाब। तो ये हमारा सोनाक्षी हो गया, ये सिन्हा हो गया, ये डेंटल, तो DENTAL डेंटल फेडरेशन इन पंजाब। तो सोनाक्षी सिन्हा डेंटल फेडरेशन इन पंजाब, तो इस एस का मतलब है स्पेसिफिक नेचर, इस एस का मतलब है सरफेस एरिया, इस डी का मतलब है डायरेक्शन, इस ई का मतलब है एनर्जी, इस एन का मतलब है नेचर ऑफ गैस, इस टी का मतलब है टेम्परेचर, इस ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, इस एल का मतलब है लेयर, इस एफ का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पी का मतलब है प्रेशर। तो जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन है और केमिकल एडजॉर्प्शन है, उनमें हमें डिफरेंस जो है वो बताना है। तो अगर हम पहला डिफरेंस देखते हैं स्पेसिफिक नेचर, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता, तो नो स्पेसिफिक नेचर, ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होता, ये किसी भी गैस को जो है वो एडजॉर्ब कर सकता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी गैस जो है वो सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्ब हो सकती है। जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नेचर का होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में सॉलिड पे वही गैस एडजॉर्ब होगी जो सॉलिड के साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड सरफेस पे कोई भी गैस आके एडजॉर्ब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार के केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है नॉट स्पेसिफिक, केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे कोई भी गैस एडजॉर्ब हो जाएगी, यहाँ पे स्पेसिफिक गैस ही एडजॉर्ब होगी। सेकेंड है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हाई होगी। तो सरफेस एरिया जो है वो हाई, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हाई होगा। और अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, तो सरफेस एरिया बढ़ने पे केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के कंपैरिजन में केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस एरिया बढ़ने पे बहुत ज्यादा बढ़ता है। थर्ड है डायरेक्शन, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हमारा रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है, इररिवर्सिबल होता है।
मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन में गैस जो है वो एडजॉर्ब होती है लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड होता है, तो एक बार गैस एडजॉर्ब हुई, उसने केमिकल बॉन्ड बनाया, तो वो बॉन्ड कैसा होता है, परमानेंट बन जाता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारा रिवर्सिबल नेचर का होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन इररिवर्सिबल नेचर का होता है। फिर आता है एनर्जी। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, यहाँ पे 2240 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, जबकि जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन है जहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है 80 to 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। फिर इसके बाद नेचर ऑफ गैस आएगा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। तो ऐसी गैसें जो इजिली लिक्विफाइड हो जाती हैं, वो गैसें जल्दी एडजॉर्ब होती हैं, उनका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऐसी गैसें जो इजिली लिक्विफाइड नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल जो हमारी CO2 गैस है, जो हमारी अमोनिया गैस है, जो हमारी HCl गैस है, जो हमारी क्लोरीन गैस है, ये गैसें इजिली लिक्विफाइड हो जाती हैं, इस कारण इनका एडजॉर्प्शन इजिली होता है, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये गैसे इजली लिक्विफाइड नहीं हो पाती, इसलिए इनका एडजॉर्प्शन जो है वो कम होता है। फिर केमिकल एडजॉर्प्शन की बात आती है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन भी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। जो गैस सॉलिड सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगी वो तो एडजॉर्ब होगी, जो बॉन्ड नहीं बनाएगी वो एडजॉर्ब नहीं होगी। फिर आता है टेम्परेचर। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है यहाँ पे लो टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ही गैस जो है वो सॉलिड सरफेस के साथ बॉन्ड बनाती है। फिर है एक्टिवेशन एनर्जी। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी अप्लाई नहीं होती, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जो है कभी कभी जो है वो अप्लाई होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में कभी कभी रोल होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी में यहां लिखा जाएगा नो नीड, यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केमिकल एडजॉर्प्शन में लिखा जाएगा सम टाइम हाई। फिर आता है लेयर। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो मल्टी लेयर सिस्टम है, मतलब एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर बन जाती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हमारा सिंगल लेयर सिस्टम है। मतलब सॉलिड सरफेस पे सिंगल लेयर ही बनती है। फिर आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि यहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यह आपका आयनिक हो सकता है या आपका कोवेलेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रेशर की बात करें तो यहां पे जो है हाई प्रेशर जो है वो फेवरेबल होता है। हाई प्रेशर पे फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगा, जबकि यहां पे लो प्रेशर जो है वो फेवरेबल होता है। तो ये हमारी 10 प्रॉपर्टीज हो गई। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.3 है, गिव रीजन व्हाई अ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एन एडजॉर्बेंट। तो जो एडजॉर्बेंट अगर फाइनली डिवाइडेड हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसका रीजन क्या है? तो रीजन बड़ा सिंपल सा है। देखो जरा, जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है वो क्या कहलाता है? तो जब किसी सॉलिड सरफेस पे, ये हमारा सॉलिड है, और इस सॉलिड सरफेस पे जो हमारे लिक्विड या फिर गैस के मॉलिक्यूल जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि ये एक सरफेस फिनोमेनन है। अगर ये जो हमारा सॉलिड है, ये जो हमारा एडजॉर्बेंट है,
अगर हम इसके चार पीस कर दें, चार टुकड़े कर दें, तो हमने ये चार पीस कर दिए। ये हमारा पहला पीस, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अब होगा क्या कि अब एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिनन है, तो ये सरफेस पे जो है वो गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो एडजॉर्ब हो रहे हैं, सरफेस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जैसे हमने इसके चार टुकड़े किए तो एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले सरफेस एरिया था केवल इतना और अब सरफेस एरिया हो गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो एडजॉर्प्शन हुआ ज्यादा। तो अगर हम इसको फाइनली डिवाइडेड कर दें, मतलब इसको पाउडर बना लें, तो पाउडर बनाने में क्या होगा, सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम जो हमारा एडजॉर्बेंट होता है उसको हम पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होता है और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.4 है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। तो किसी सॉलिड पे अगर कोई गैस एडजॉर्ब हो रही है तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। तो देखो जरा, वो फैक्टर होते हैं हमारे एस टी पी नॉट एप्लीकेबल। एस मतलब यहां पे सरफेस एरिया से है, टी मतलब टेम्परेचर से है, पी मतलब प्रेशर से है, एन मतलब होता है नेचर ऑफ गैस, और ए मतलब है एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड। तो अब अगर किसी सॉलिड सरफेस पे, ये हमारा कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इस पे कोई गैस जो है वो एडजॉर्ब हो रही है, तो गैस का एडजॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करेगा सॉलिड के सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया सॉलिड का जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए हम ये जो सॉलिड है इसको हम क्या करते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं ताकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाए, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एडजॉर्प्शन भी गैस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। फिर सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। तो अगर एडजॉर्प्शन जो है वो फिजिकल है, हमारा एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन है, तो लो टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होता है, और अगर एडजॉर्प्शन केमिकल है तो फिर हाई टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होता है। मतलब अगर इस सॉलिड सरफेस से ये जो गैस एडजॉर्ब हुई है इसने वंडरवॉल फोर्स बनाया है, तब तो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, और फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, लो टेम्परेचर पे ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर हाई कर दो तो गैस जो है वो क्या हो जाएगी, डिजॉर्प्शन हो जाएगा गैस का, गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर गैस ने इस सॉलिड सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बना लिया है तो हाई टेम्परेचर जो है इसके लिए फेवरेबल होगा, हाई टेम्परेचर पे केमिकल बॉन्ड जो है वो आसानी से बन जाते हैं। तो फिर थर्ड है प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे फिजिकल एडजॉर्प्शन तो इंक्रीज होता है लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होता है। तो अगर आपका ये एडजॉर्प्शन फिजिकल है, मतलब गैस और सरफेस के बीच वैन डेर वाल्स फोर्स बना हुआ है, तो हाई प्रेशर फेवरेबल होगा। लेकिन अगर गैस और सरफेस के बीच जो है वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन बना हुआ है तो फिर लो प्रेशर जो है वो फेवरेबल होगा। फिर है नेचर ऑफ गैस, मतलब कि अगर गैस जो है वो इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, जैसे कि आपका HCl गैस होता है, आपका अमोनिया गैस होता है, तो ऐसी गैसें जो है वो आसानी से सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्ब होती है। लेकिन ऐसी गैस
जैसे कि आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इजिली लिक्विफाइड नहीं हो पाती, इस कारण इनका एडसॉर्प्शन जो है वो कम होता है। तो ये नेचर ऑफ गैस हो गया। फिर होता है एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड। तो एक्टिवेशन साइड सॉलिड की जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी सरफेस पे, उतनी ज्यादा गैस जो है वो एडजॉर्ब होगी। अगर फ्री वैलेंसी कम है तो फिर एडजॉर्प्शन भी गैस का कैसा होगा? कम होगा। तो ये हमारे फैक्टर होते हैं जो गैस के एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5.5 है, व्हाट इज एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, डिस्क्राइब फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो सबसे पहले हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में समझेंगे कि हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहलाता है। तो देखो जरा, आइसोथर्म का मतलब होता है वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एडजॉर्प्शन, मतलब सॉलिड सरफेस पे या तो कोई गैस या फिर कोई लिक्विड जो है वो एडजॉर्ब हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी सॉलिड सरफेस पे कोई गैस या फिर कोई लिक्विड जो है वो एडजॉर्ब हो रहा है। तो ये हमारे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब हो गया। तो इसकी हम डेफिनेशन जो है वो नोट कर लेंगे। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय द एब्जॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मीन ऑफ अ कर्व टर्म एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये हमारी सॉलिड सरफेस है, ये हमारा सॉलिड है जिसको कि हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। इस सॉलिड सरफेस पे कोई गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो ये हमारे एडजॉर्ब वेट कहलाते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ गैस जो है वो एडजॉर्ब हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के। तो एक्सटेंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के। तो सॉलिड सरफेस पे जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसके लिए हमें जो है एक कर्व बनाना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो जरा, ये ग्राफ कैसे हमने प्लॉट किया? तो ये ग्राफ प्लॉट करना है टेम्परेचर, तो चूंकि हमने यहां पे कांस्टेंट रखा, तो प्रेशर एंड जो गैस एडजॉर्ब हुई है, तो अमाउंट ऑफ गैस और किस पे एडजॉर्ब हुई है? सॉलिड पे एडजॉर्ब हुई है। तो यूनिट मास ऑफ सॉलिड, तो एक्स वाई एम, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। तो एक्स वाई एम जो है वो क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया एक्स वाई एम एंड प्रेशर के बीच, तो हमें ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आया। हमको पहले तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आया, फिर ये लाइन थोड़ी सी कर्व में कन्वर्ट हुई, और फिर एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा हो गया। तो चूंकि टेम्परेचर यहां पे कैसा है? कांस्टेंट है। तो सपोज ये ग्राफ जो है वो हम नाइट्रोजन गैस के एडजॉर्प्शन के लिए बता रहे हैं। तो जब हमारा टेम्परेचर 195 केल्विन था, तो ग्राफ ऐसा आया। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ग्राफ ऐसा आया 244 केल्विन, और जब हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो ये ग्राफ ऐसा आया 273 केल्विन। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि एडजॉर्प्शन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इस कारण यहाँ पे हाई टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होगा, लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा।
तो लो टेम्परेचर पे गैस जो है उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, मतलब सॉलिड सरफेस पे गैस जो है वो ज्यादा एडजॉर्ब होगी। जैसे हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं गैस का एडजॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एडजॉर्प्शन हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, हाई टेम्परेचर जो है वो अनफेवरेबल होगा। तो हाई टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हुआ जबकि लो टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन जो है वो हाई हुआ। तो अब हम फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करेंगे। तो फ्रेंडलिच ने क्या किया, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो कर्व था उसकी स्टडी की। तो कर्व हमारा ऐसा था, एक्स एक्सिस पे तो हमने प्रेशर लिया और वाई एक्सिस पे हमने जो है वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्ब गैस ली। तो स्टार्टिंग में तो ये कर्व ऐसा था, स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा कर्व होगा और फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो रिलेशन है, एक्सटेंट ऑफ गैस एडजॉर्ब मतलब एक्स वाई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये रिलेशन था। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ये रिलेशन जो है वो यहां तक के लिए तो ठीक था जब ये लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही थी, लेकिन फिर ग्राफ थोड़ा सा कर्व हुआ और फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। मतलब यहां पे एडजॉर्प्शन जो है वो क्या हो गया, प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया। तो फ्रेंडलिच ने इस रिलेशन में थोड़ा सा चेंज किया। चेंज क्या किया, एक्स वाई एम इक्वल टू के पी टू द पावर वन बाय एम, ये रिलेशन जो है वो फ्रेंडलिच ने दिया। यहां पे n जो है वो ग्रेटर है 1 से। अब देखो जरा, अगर हमारा 1 बाय n जो है वो 1 हो जाए तो 1 बाय n हमारा 1 कब होगा, जब n इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो 1 बाय 1 इक्वल टू 1। तो जो हमारा x y m इक्वल टू क्या हो जाएगा, k p टू द पावर 1, क्योंकि 1 बाय एन क्या हो गया 1, तो ये हो जाएगा एक्स वाई एम इक्वल टू के पी। मतलब कि जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्ब गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। अब हम इधर की बात करते हैं, यहां पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्ब गैस जो है वो इंडिपेंडेंट टू प्रेशर हो गया। तो इसका मतलब है कि 1 बाय एन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 1 बाय एन जो है वो 0 होगा, तो जो हमारा रिलेशन एक्स वाई एम इक्वल टू के पी टू दी पावर 1 बाय एन, तो हमें 1 बाय एन 0 करना है, तो इसका मतलब है एन इक्वल टू कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। तो एन इक्वल टू इन्फिनिट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 by n जो है वो हमारा 0 हो गया, मतलब x by m जो है वो क्या हो गया, प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया, k के इक्वल हो गया। यहां p टू दी पावर 0 का मतलब 1 है, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 है इसका मतलब है उसके इक्वल में 1 आएगा। मतलब इस जगह पे अब प्रेशर बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन भी बढ़ रहा, प्रेशर बढ़ाने पे जितनी गैस एडजॉर्ब हो रही है उतनी ही गैस जो है वो डी एडजॉर्ब हो रही है। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम बात करते हैं इधर से इधर वाले कर्व की। तो एक्स वाई एम इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय एन। अब जो एन की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 टू इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है, हो सकती कि नहीं हो सकती, बिल्कुल। जब हमने n इक्वल टू 1 रखा था तो n इक्वल टू हमने 1 रखा था तो हमारा ये रिलेशन आया था, और जब हमने n इक्वल टू इन्फिनिटी रखा था तो हमारा ये वाला रिलेशन आया था। और अगर हम n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच कुछ नंबर रखते हैं
तो हमारा ये रिलेशन आएगा, ये वाला कर्व आएगा। अब यहां से यहां तक का प्रेशर, मतलब प्रेशर जो है वो लो है, तो लो प्रेशर पे जो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आया, ये प्रेशर जो है वो हाई है, यहां से लेके यहां तक का प्रेशर जो है वो क्या है, हाई है। तो ये हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया, और इसके बाद ये जो प्रेशर है यहां से लेके यहां तक, ये मॉडरेट प्रेशर हो गया, ठीक है ना। तो लो प्रेशर पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, हाई प्रेशर पे ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, मतलब जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया, और मॉडरेट प्रेशर पे ग्राफ जो है वो कर्व आया। तो ये हमारा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ हो गया। इसके बाद हम फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का वेरिफिकेशन बताएंगे। तो फ्रेंडलिच का जो रिलेशन था तो वो क्या था, एक्स वाई एम इक्वल टू के पी वन बाई एम। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग पी वन बाई एम। तो ये होगा लॉग एक्स वाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाय एन, इधर आ जाएगा लॉग पी। अगर हम लॉग एक्स वाय एम एंड लॉग पी के बीच ग्राफ प्लॉट करें, और अगर ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है, तो हमारा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उसका ग्राफ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, तो x एक्सिस पे हम log p लेंगे और y एक्सिस पे log एक्स वाई एम लेंगे, और इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कराएं तो y इक्वल टू होता है c प्लस एम एक्स। तो y तो आपका ये हो गया, c आपका ये हो गया, एम एक्स आपका ये हो गया। तो y एक्सिस पे ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, तो y एक्सिस पे log k जो है वो इंटरसेप्ट है, तो ये हमारा log k हो गया, और जो हमारा स्लोप आएगा, जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो क्या है, ये 1 बाय एन के इक्वल है। तो लॉग एक्स वाई एम और लॉग पी के बीच जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन आया, जो कि हमारे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के रिलेशन को वेरीफाई करता है। तो ये हमारा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5.6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, हाउ इज इट अचीव्ड। तो एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट क्या कहलाता है और इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो देखो जरा, हमारा एडजॉर्बेंट मतलब वो सॉलिड सरफेस होती है, मतलब ऐसी सॉलिड सरफेस जहां पे लिक्विड या फिर गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एडजॉर्ब हो, मतलब इस सरफेस पे या तो गैस के मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हो, एडजॉर्ब हो। तो इसको तो हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो ये जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड तो कहलाता है एडजॉर्बेंट, और जो हमारे लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एडजॉर्बर कहलाते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो निश्चित तौर पे हमको पता है कि एडजॉर्प्शन जो है वो हमारी एक सरफेस फिनोमेनन है। तो अगर हमारा सरफेस एरिया लार्ज हो जाए, अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें, तो निश्चित तौर पे हमारा एडजॉर्प्शन भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
इसका मतलब है कि सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। अगर सरफेस एरिया लार्ज है तो एडजॉर्प्शन भी हाई हो जाएगा। तो सरफेस एरिया को हम हाई जो है वो किन किन तरीकों से कर सकते हैं, तो देखो जरा, ये हमारा सॉलिड है, तो ये हमारा सॉलिड है, अभी इसकी सरफेस कैसी है, प्लेन है। तो अगर हम इसकी सरफेस को रफ कर दें तो निश्चित तौर पे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम सरफेस जो है वो रफ कर रहे हैं, अब सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस वो है वो रफ हो गई। तो पहला तो है कि अगर आपने रफ सरफेस की तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर ये सॉलिड है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन भी हाई हो जाएगा। तो सॉलिड को हम पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिस कारण उसका एडजॉर्प्शन भी हाई हो जाएगा। और जो हमारी थर्ड टेक्निक है, जैसे ये सॉलिड है, इस पे पहले से ही गैस या लिक्विड जो है वो एडजॉर्ब हुए हैं, तो इसका सरफेस एरिया तो पहले से भरा हुआ है, अब और लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल है उनको हम क्या करते हैं, उसका डी एडजॉर्प्शन करा दें, उनको हम बाहर निकाल दें किसी तरीके से, तो हमारा सरफेस एरिया फिर से एडजॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसा हमको याद आता है जो हमारा वुड चारकोल होता है, ये बहुत ही पॉइजनस गैसों को क्या करता है, एडजॉर्ब करता है। तो वुड चारकोल का यूज कहां करते हैं, ये पॉइजनस गैस को एडजॉर्ब कराने में इनका यूज करते हैं। अब वुड चारकोल से गैस का हमें क्या करना है, डी एडजॉर्प्शन कराना है, जो पॉइजनस गैस है उसको बाहर निकालना है वुड चारकोल से। तो एक तरीका यह है कि वुड चारकोल को क्या करो, आप हीट करो 650 to 1350 केल्विन तक, या तो आप इसको वैक्यूम में हीट करो या फिर सुपर हीटेड स्टीम में हीट करो, तो गैसें जो है वो वुड चारकोल से बाहर निकल जाती हैं, जिसके कारण वुड चारकोल आप फिर से यूज कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5.7 है, व्हाट रोल डज एडजॉर्प्शन प्ले इन हेटरोजीनियस कैटालिसिस। तो हेटरोजीनियस कैटालिसिस का एडजॉर्प्शन में क्या रोल होता है आपको ये बताना है। तो हेटरोजीनियस कैटालिसिस का मतलब होता है कि जो हमारा एडजॉर्बेंट है और जो हमारे एडजॉर्बर हैं, दोनों की फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो एडजॉर्बेंट तो हमारा सॉलिड होता है और एडजॉर्बर या तो हमारा गैस होता है या फिर लिक्विड होता है। तो जनरली एडजॉर्बर हमारा गैस ही होता है और एडजॉर्बेंट हमारा सॉलिड होता है। तो हेटरोजीनियस कैटालिसिस मतलब जहां पे एडजॉर्बेंट सॉलिड और एडजॉर्बर गैस है, हम ऐसा मानते हैं। अब इसका रोल हमें बताना है कि क्या होता है। तो देखो जरा, एक हमारी प्रोसेस होती है हैबर प्रोसेस, जहां पे हम अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हैबर प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के थ्रू हम अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस प्रोसेस में जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं। यहां पे आयरन कैटलिस्ट होता है और मॉलिब्डेनम जो है वो कैटालिटिक प्रमोटर होता है। टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। प्रेशर जो है हाई प्रेशर होता है, अप्रोक्स 200 एटमोस्फेरिक का। तो अमोनिया गैस जो है वो बनती है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब वो कैटलिस्ट तो हमारा आयरन है और इस आयरन कैटलिस्ट पे ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। अब एडजॉर्ब हुई तो हुआ क्या, तो ये हमारा आयरन जो है वो मेटल है,
वैसे तो हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं क्योंकि सरफेस एरिया पाउडर फॉर्म में ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हमने समझाने के लिए आपको सॉलिड फॉर्म में ले लिया। अब आयरन के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों गैस को सरफेस पे क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेगा। अब दोनों गैस जो है वो सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई, मतलब दोनों गैस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगी, अमोनिया बनाएंगी, ठीक है ना। अब आयरन के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अमोनिया गैस को एडजॉर्ब करे, बिल्कुल नहीं। तो अमोनिया गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ये सरफेस पे एडजॉर्ब नहीं होती। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया बनाया, अमोनिया गैस बाहर निकल गई। तो ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया बनाया था, इनका प्लेस यहां पे खाली हो गया होगा, तो और नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस जो है यहां पे एडजॉर्ब हो जाएगी, फिर रिएक्शन होगी, अमोनिया बनेगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस और एडजॉर्ब होगी, फिर अमोनिया बनेगा, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, रिएक्शन रेट को हाई कर देते हैं, यहां पे हमारे अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का रोल हो गया एडजॉर्प्शन में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वह इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो एडजॉर्प्शन हमारा ऑलवेज एक्सोथर्मिक क्यों होता है, ये हमें बताना है। तो हम फिर से हैबर प्रोसेस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज कि ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस जो है वो भरी हुई है, और यहां पे एक आयरन का पीस रखा हुआ है। तो यहां पे गैस की एंट्रोपी अभी ज्यादा है, लेकिन जब गैस जो है इस आयरन मेटल पे एडजॉर्ब हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पे एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी डिक्रीज हो गई मतलब डेल्टा एस जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। और जो हमारा फॉर्मूला होता है फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अब चूंकि ये हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो कैसा है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी जो है वो हमेशा नेगेटिव आता है, याद रखना। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी हो सकती है जब डेल्टा जी हमारा कैसा हो, नेगेटिव हो। तो चूंकि एडजॉर्प्शन हमारी कैसी है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इस कारण डेल्टा जी नेगेटिव होना ही चाहिए। अब देखो जरा डेल्टा जी हमारा कब नेगेटिव हो सकता है, ये डेल्टा एच, क्योंकि यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब डेल्टा जी की वैल्यू हमें चाहिए नेगेटिव, तो डेल्टा जी तभी नेगेटिव पॉसिबल है जब ये डेल्टा एच कैसा हो, नेगेटिव हो। तो डेल्टा जी हमारा तभी नेगेटिव आ सकता है जब डेल्टा एच कैसा हो, नेगेटिव हो। अब चूंकि डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, तो ये प्रोसेस हमारे स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब हमारा डेल्टा एच नेगेटिव हो। इसका मतलब है कि जो हमारी एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। तो हमारे इस फॉर्मूले ने प्रूव कर दिया कि जो हमारी एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो कैसी होती है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5.9 है, हाउ आर द कोलाइडल सॉल्यूशन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो जो हमारी फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, तो ये भी सॉलिड लिक्विड एंड गैस दोनों के कॉम्बिनेशन से
हमारे वैसे तो 9 कोलाइडल सिस्टम बनने चाहिए थे, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से 8 कोलाइडल सिस्टम बनते हैं। जो हमारा गैस गैस का मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, वो हेट्रोजीनियस नहीं होता, वो होमोजीनियस हो जाता है। इस कारण हमारा ये कोलाइडल सिस्टम नहीं बन पाता। आज हम टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे कि हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा पहला टाइप है, अगर हमारी डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है और हमारा डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है तो हमारा बनेगा सॉलिड सॉल। जो हमारा कोलाइडल सिस्टम होगा वो क्या होगा, सॉलिड सॉल कहलाएगा। और इसके एग्जांपल होंगे, सॉलिड में सॉलिड डिसॉल्व है तो जेमस्टोन और आपके कुछ कलर्ड ग्लासेस भी। फिर जो हमारा दूसरा, तो जो दूसरा टाइप है, अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व है तो ये बनता है हमारा सोल। सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व है तो बन रहा है सोल, और इसका एग्जांपल है गोल्ड सोल, सल्फर सोल। फिर हमारा थर्ड है, अगर फेज अभी भी सॉलिड है और मीडियम जो है वो गैस है तो बनेगा हमारा एरोसॉल। तो ये स्मोक एंड डस्ट इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो तीन कोलाइडल सिस्टम जो है वो हमने बना लिया, तीनों में डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड है तो हमारा जो सिस्टम बनेगा वो सोल बनेगा, ठीक है। अगर मीडियम सॉलिड है तो सॉलिड सोल, अगर मीडियम गैस है तो एरोसोल, अगर मीडियम लिक्विड था तो इसको लिक्विड सोल आपको बोलना चाहिए था, तो इसको हम लिक्विड सोल भी बोल सकते हैं। फिर हमारा अगला एग्जांपल है, इस बार हम गैस ले लेते हैं, तो फोर्थ है, अगर फेज हमारी गैस है और मीडियम भी गैस है तो कोलाइडल सिस्टम नहीं बनेगा, क्योंकि गैस गैस का होमोजीनियस मिक्सचर बनता है जबकि हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनियस होते हैं, तो गैस गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता। फिर फिफ्थ है, अगर गैस जो है वो सॉलिड में डिसॉल्व है, गैस जो है वो सॉलिड में डिसॉल्व है तो बनेगा सॉलिड फोम। और इसके एग्जांपल हैं, रबर फोम, प्यूमिस स्टोन। फिर हमारा है, अगर गैस जो है वो लिक्विड में सस्पेंडेड है तो हमारा बनेगा फोम। गैस लिक्विड में है तो बनेगा फोम। इसके एग्जांपल हैं व्हिप्ड क्रीम, फ्रोथ, सोप लेदर। फिर इसके बाद सेवेंथ नंबर, अगर हमारा फेज लिक्विड है और मीडियम भी लिक्विड है तो बनेगा इमल्सन। तो ये आएगा क्रीम, पेंट्स। फिर हमारा अगला एग्जांपल है, अगर फेज लिक्विड है और मीडियम जो है वो सॉलिड है तो ये तो बनेगा हमारा जेल। तो जेल बनना है तो इसके एग्जांपल बताओ,
टूथपेस्ट, जेली। फिर इसके बाद नाइन्थ नंबर फेस लिक्विड है, मीडियम गैस है, तो बनेगा एरोसोल। इसके एग्जांपल क्लाउड, मिस्ट। तो ये हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन हो गए। ये यहां पे नाइन्थ टाइप दिए गए हैं, लेकिन गैस गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बनता नहीं है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, एक टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएंगे। याद रखना, जब आपकी डिस्पर्स फेज सॉलिड होती है तो आपका सिस्टम जो है वो सोल बनता है। अगर मीडियम सॉलिड है तो कहेगा सॉलिड सोल, अगर मीडियम गैस है तो कहेगा एरोसोल। गैस मतलब एयर से एरोसोल बनेगा। अगर आपका डिस्पर्स फेज गैस है तो आपका कोलाइडल सिस्टम जो है वो बनेगा फोम। अगर मीडियम सॉलिड है तो सॉलिड फोम बनेगा, अगर मीडियम लिक्विड है तो आप इसको लिक्विड फोम बोल सकते हो या केवल फोम बोल सकते हो। देखो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, मीडियम लिक्विड था तो हमने केवल फोम बोला, जब मीडियम लिक्विड था तो हमने केवल सॉल्ट बोला। फिर लिक्विड लिक्विड तो इमल्शन बनेगा, लिक्विड सॉलिड से जेल बनेगा, ये सोल का अपोजिट होता है। जेल जो है वो सोल का अपोजिट होता है। जब लिक्विड में सॉलिड होता है तो सोल बनता है, लेकिन जब सॉलिड में लिक्विड हो तो जेल बनता है। फिर गैस में अगर लिक्विड सस्पेंडेड है तो बनेगा एरोसोल। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे एक्सरसाइज नंबर 5 के क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5.11 है, व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, व्हाई आर हाइड्रोफोबिक सोल इजिली कोएगुलेटेड। तो हमें लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल क्या कहलाते हैं हमें ये बताना है, उनका एक एग्जाम्पल देना है, और हमें ये बताना है कि हाइड्रोफोबिक सोल जो है वो इजिली कोएगुलेट क्यों हो जाता है। तो देखो जरा, तो सबसे पहले हम लायोफिलिक सोल की डिस्कस करेंगे। तो ऐसा सोल जो लिक्विड में डालते ही कोलाइडल सॉल्यूशन बना ले, तो ऐसे सोल को हम लायोफिलिक सोल कहते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो आपकी गम हो, जिलेटिन हो, अगार अगार हो, प्रोटीन। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज ये है और डिस्पर्शन मीडियम जो है अगर आपका वाटर है, तो इनको आप वाटर में जैसे ही डालोगे तुरंत ही कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। और अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो लायोफिलिक सोल को हम हाइड्रोफिलिक सोल भी बोलते हैं। इफ डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर देन लायोफिलिक सोल इज नोन एज हाइड्रोफिलिक सोल। तो जब हम डिस्पर्सन फेज जो है उसको हम डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं और तुरंत ही कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लायोफिलिक सोल बोलते हैं। अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो लायोफिलिक सोल हमारा हाइड्रोफिलिक सोल जो है वो कहलाने लगता है। तो यहाँ पे आपका स्टार्च भी आ जाएगा, आपका ग्लाइकोजन भी आ जाएगा, आपका एल्ब्यूमिन भी आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लायोफिलिक सोल के। अब हमें आपको लायोफोबिक सोल जो है वो बताना है। तो लायोफोबिक सोल जो है वो क्या कहलाते हैं, तो ऐसे सोल जिनको डिस्पर्शन मीडियम में डालने पर तुरंत ही कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता
उनको किसी स्पेशल मेथड के थ्रू कोलाइडर सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे सोल को हम लायोफोबिक सोल बोलते हैं। तो अगर आपका डिस्पर्सिव फेज जो है, सपोज कि गोल्ड है या सिल्वर है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो आपका वाटर है, तो गोल्ड या सिल्वर को वाटर में डालोगे तो कोलाइडर सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा, डिसॉल्व भी नहीं होंगे। एक स्पेशल मेथड ब्रेडिंग आर्क मेथड के थ्रू हम जो है गोल्ड सोल या सिल्वर सोल को प्रिपेयर करते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपको एक बीकर लेना होता है, इसमें हमें पानी भरना होता है, ठीक है, और गोल्ड की या सिल्वर की दो ऐसी रॉड जो है वो डाल देते हैं। इन रॉड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है तो थोड़ा बहुत गोल्ड के पार्टिकल्स जो है जहाँ पे इस वाटर में सस्पेंडेड हो जाते हैं और गोल्ड सोल जो है वो हमारा बन जाता है। इसको हम एक आइस चैम्बर में रखते हैं ताकि गोल्ड के पार्टिकल जो है वो इवोपरेट ना हो पाए, ठीक है। थोड़ा सा QH भी डाल दिया जाता है ताकि ये सोल हमारा स्टेबलाइज रहे। तो अगर डिस्पर्सन मीडियम आपका वाटर है तो लायोफोबिक सोल हमारा क्या कहलाने लगता है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक सोल कहलाने लगता है अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम जो है वो क्या है, वाटर है। तो लायोफोबिक सोल जो है वो स्पेशल मेथड के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, और लायोफोबिक सोल जो है वो डायरेक्ट ही आप सॉल्वेंट में डालोगे तो आपका सोल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इसके कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि FeOH होल्थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, आपका आर्सेनिक सल्फाइड, आपका टाइटेनियम ऑक्साइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लायोफोबिक सोल के। अब हमें ये बताना है कि हाइड्रोफोबिक सोल जो है वो इजिली कोएगुलेट हो जाता है, हाइड्रोफिलिक सोल जो है वो इजिली कोएगुलेट नहीं होता। उसका रीजन सिंपल सा ये है, सपोज आपने स्टार्च का सोल बनाया, स्टार्च जो है वो नेगेटिवली कोलाइडल कहलाता है, और जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो ये इजिली कोएगुलेट नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि स्टार्च के पार्टिकल पे वाटर की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाती है। तो जब तक ये वाटर की प्रोटेक्टिव लेयर ब्रेक नहीं होगी तब तक कोएगुलेशन नहीं होगा। तो हाइड्रोफिलिक सोल में क्या होता है, वाटर की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाती है जो कि सोल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जबकि हाइड्रोफोबिक सोल में ऐसा कुछ नहीं होता। इस कारण थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आप डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पे क्या होता है कि इन पे जो चार्ज होता है, कोलाइडर सॉल्यूशन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब न्यूट्रल कोलाइडर पार्टिकल आपस में क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। एग्रीगेट हो जाएंगे तो एग्रीगेशन पे क्या होगा, उनका मास जो है वो बढ़ जाएगा, जिस कारण क्या होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब चार्ज था तो चार्ज के कारण पार्टिकल एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे थे, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे थे। अब चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, किसने किया, इलेक्ट्रोलाइट ने किया, तो अब ये पास पास आ गए, आपस में जुड़ गए, क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। तो हाइड्रोफोबिक सोल में आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो इजिली कोएगुलेट हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक सोल में आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे थोड़ा सा तो इजिली कोएगुलेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहां पे वाटर की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाती है, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई लेयर नहीं बनती। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको और बता देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो है वो बनता कैसे है, तो देखो जरा, जो हमारा फेरिक क्लोराइड है, इस फेरिक क्लोराइड को हम क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये FeOH होल थ्राइस बनेगा और क्या बनता है, HCl बन जाता है। इक्वेशन को हमें करना है बैलेंस, तो इधर पे आप लगाओगे 2 तो इधर पे आपको 2 करना पड़ेगा, आयरन 2 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, तो इधर पे हमको 6 कर दो,
तो ये क्वेश्चन हमारी जो है वो बैलेंस हो जाती है, अभी नहीं, अब करना है 6, अब हो जाएगी बैलेंस। ठीक है, तो अभी ये सिंपल रेशियो में नहीं है, तो ये ऐसा हो जाएगा FeCl3 प्लस 3H2O से बनेगा FeOH पोलराइज एंड 3HCl। अब ये सिंपल रेशियो में आ चुकी है। अब देखो यहां पे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, अब FeCl3 में आयन है Fe प्लस 3 एंड Cl नेगेटिव, और इसमें Fe प्लस 3 एंड OH नेगेटिव, ठीक है ना। तो आयन कौन से कॉमन है, ये और ये, इस कारण होता क्या है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पे Fe प्लस 3 आयन जो है ये वाला, इसको सराउंड करते हैं, जिस कारण ये जो है हमारा पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बनेगा। अब क्या करोगे, आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सपोज NaCl डाल दिया, तो NaCl का जो क्लोराइड नेगेटिव है वो क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा तो FeCl3 बनाएगा, तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब चार्ज के कारण क्या था कि FeOH3 के जो दूसरे पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब चार्ज खत्म हो गया तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कोएगुलेशन का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5.11 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.12 है, What is the difference between multi-molecular and macromolecular collides? Give one example of each. How are associated collides different from these two types of collides? तो हमें multi-molecular and macromolecular collide में difference बताना है, हमें इनके एक एक example भी देने हैं, और हमें ये बताना है कि जो हमारे associated collide हैं वो इनसे different क्यों हैं। तो सबसे पहले हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड जो है क्या कहलाता है, तो इसके एग्जांपल जो है वो हमारा गोल्ड सोल है और सल्फर सोल। गोल्ड सोल में गोल्ड के एटम का एग्रीगेशन होता है, और सल्फर सोल में सल्फर के मॉलिक्यूल जो है वो एग्रीगेट होते हैं। अब यहां पे समझना, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है, और ये हमारे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड हैं, ये जो आपका एटम है गोल्ड और ये आपका सल्फर का एटम है, इनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो क्या होता है कि ये बहुत सारे गोल्ड के एटम जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और जब साइज 1 नैनोमीटर के अबव हो जाता है तो क्या होता है, हमारा गोल्ड सोल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे यहाँ पे सल्फर मॉलिक्यूल है, जब S8 मॉलिक्यूल बहुत सारे क्या हो जाते हैं, एसोसिएटेड हो जाते हैं, तो इनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर के अबव हो जाता है, तो हमारे सल्फर सोल का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो जब हम गोल्ड को और सल्फर को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं तो गोल्ड के एटम और सल्फर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट होके उनका साइज 1 नैनोमीटर के अबव हो जाता है, तो गोल्ड सोल एंड सल्फर सोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे हमारे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड है वो क्या कहलाता है, तो अब हम बात करेंगे मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड की। अब इसमें आते हैं हमारे प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च,
ये हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब इनका साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से अबव होता है, और अगर इनका कोलाइडर सॉल्यूशन बनाना है तो इनके पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, 100 नैनोमीटर से बिलो होना चाहिए और 1 नैनोमीटर से अबव होना चाहिए। तो यहां पे हम इनको ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं जहां पे इनका डिकम्पोजिशन हो जाए और साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से छोटा हो जाए। तो प्रोटीन सेलुलोज स्टार्च का कोलाइडर सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। तो यहां पे हमें साइज को बड़ा करना है और यहां पे हमें साइज को छोटा करना है। तो ये हमारा मल्टीमोलिकुलर कोलाइड बनता है और ये हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बनता है। तो जो हमारा थर्ड टाइप है वो हमारा एसोसिएटेड कोलाइड है। तो इसका एग्जांपल है हमारा सोप सॉल्यूशन एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो जो हमारे सोप सॉल्यूशन एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, जबकि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोलाइडर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम सोप सॉल्यूशन को देखें तो एक बीकर इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें हमने सोप जो है डाल दिया। तो सोप जो है इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं C17H35COONe। तो CO नेगेटिव पार्ट बनता है और Na पॉजिटिव पार्ट बनता है। तो ये पूरा पार्ट नेगेटिव भी चार्ज होता है, ये पॉजिटिव भी चार्ज होता है। तो अब देखो जरा इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो C17H35, तो ये तो हमारी कार्बन चेन होगी, ये कार्बन चेन है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये हमारा COO नेगेटिव पार्ट है और Na पॉजिटिव पार्ट है। COO नेगेटिव पार्ट को आप जो है ऐसे बता सकते हो, ये CO नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन हमारा ऐसा रहता है, ये टेल हो गई, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये टेल, ये नेगेटिव चार्ज, ये टेल, ये नेगेटिव चार्ज। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है तब तो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो सोप के पार्टिकल्स हैं ये कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा मिसेल जो है वो बन रहा है। तो सोप के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एग्रीगेट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं। मिसेल का फॉर्मेशन कब बनता है, जब कॉन्सेंट्रेशन हाई हो और टेम्परेचर भी हमें हाई करना पड़े। अब टेम्परेचर हाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन हाई करना है। इसका मतलब है कि यहां से डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल को जो है हमें वाटर के पार्टिकल को एवोपरेट कराना होगा, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, बिल्कुल। तो टेम्परेचर हाई करेंगे, तो वो टेम्परेचर जिसके अबव जो है ये मिसेल बनता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, इसे TK से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके अबव ये मिसेल का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम CMC कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, मतलब क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो जो हमारा सोप सॉल्यूशन जो है वो क्राफ्ट टेम्परेचर के अबव एंड क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन के अबव एक कोलाइड की तरह बिहेव करता है, जिसको कि हम एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं। ऐसे हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट में होता है। तो एसोसिएटेड कोलाइड के हमारे एग्जांपल क्या होगा, सोप सॉल्यूशन एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5.12 हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5.13 होगा, व्हाट आर एंजाइम्स, राइट इन ब्रीफ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स कैटालिसिस। तो हमारे एंजाइम क्या कहलाते हैं और इनका ब्रीफ में मैकेनिज्म हमको बताना है। तो एंजाइम हमारा नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो हमारे एंजाइम होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं,
जिनका मोलर मास बहुत हाई होता है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एंजाइम हमारे क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करती हैं। इस कारण इनको हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं या केवल केवल बायो कैटलिस्ट बोल सकते हैं। तो एंजाइम की डेफिनेशन हम नोट कर लेंगे। एंजाइम आर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मोलर मास एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बिहेव एज बायोकेमिकल्स कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट। एग्जाम्पल है कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग ह्यूमन बींग। तो एंजाइम ह्यूमन बींग के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको कैटलाइज करता है। इसके बाद हम एंजाइम का मैकेनिज्म समझेंगे। तो ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा सब्सट्रेट है। तो एंजाइम जो है कोई कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो ये तो हमारा एक कैटलिस्ट हो गया, और सब्सट्रेट जो है वो हमारा एक रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। तो किसी भी एंजाइम की सरफेस जो है वो कैसी होती है, उसकी सरफेस में बहुत सारी कैविटी होती हैं, जैसे कि ये कैविटी हम बना रहे हैं। और इन कैविटी का शेप जो है स्पेसिफिक होता है, और इन कैविटी में बहुत सी एक्टिव साइट होती हैं, मतलब फंक्शन ग्रुप होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप, थायो एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। तो एंजाइम में बहुत सारी कैविटी होती हैं जिनका शेप स्पेसिफिक होता है। इन स्पेसिफिक शेप में बहुत सारी एक्टिव साइट होती हैं। तो इस एंजाइम में वही सब्सट्रेट या वही रिएक्टेंट फिट हो सकता है जिसका शेप ऐसा होना चाहिए जो इन कैविटी को क्या कर ले, फिट कर ले, इन कैविटी में फिट हो जाए। तो ये की एंड लॉक जैसा सिस्टम होता है। तो एंजाइम में सब्सट्रेट जो है वो फिट हो गया, तो ये हमारा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हमको पता है कि ये एंजाइम तो हमारा एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो रिएक्शन के अंत में एंजाइम तो हमारा एज इट इज रहने वाला है, लेकिन जो हमारा सब्सट्रेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया एंजाइम का कि कैसे सब्सट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.14 है, हाउ आर कोलाइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर एक फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, सेकंड है नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज, एंड थर्ड है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो हमारा आंसर पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। तो आपका डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम की जो फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसके बेसिस पे हमने एक टाइप के कोलाइडल सिस्टम जो है वो बनाए थे। तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5.9। फिर सेकंड है नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, तो डिस्पर्स्ड फेज के नेचर के बेसिस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर 1 है मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। सेकंड है माइक्रो मॉलिक्यूलर, और थर्ड है एसोसिएटेड। ये क्वेश्चन नंबर जो है 5.12 में इनका डिस्क्रिप्शन दिया है, और जो हमारा आंसर थर्ड है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम में, हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो लायोफिलिक और दूसरा है लायोफोबिक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5.12
1 1 में दिया है इसका आंसर। तो बस क्वेश्चन नंबर 5.9 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5.12 में इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 5.11 में इसका आंसर मिलने वाला है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5.15 है, एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व। पहला है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडेड सॉल्यूशन। सेकंड है एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सोल। थर्ड है इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैं पहला एक्सप्लेन करना है कि जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करते हैं तो क्या होता है। तो देखो जरा, तो हमने यहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन लेना है, और यहां पे हमें लाइट जो है वो पास करानी है, तो ये कैंडल है। अब कैंडल से लाइट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस में पास हो रही है। अब लाइट जो है जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में जाती है तो लाइट का पाथ दो है, तो लाइट का पाथ जो है ये पाथ हमको चमकीला नजर आता है जब हम राइट एंगल से देखते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये हमारा माइक्रोस्कोप हो गया। माइक्रोस्कोप से हमने देखा तो लाइट का ये पास जो है वो हमको चमकीला नजर आया, जिसको कि हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब ये लाइट का पास जो है वो चमकीला नजर क्यों आया, ये पाथ जो है वो ब्राइटर क्यों हो गया, उसका रीजन ये है कि ये जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच होता है, और इस साइज का पार्टिकल जो है लाइट को बहुत अच्छे तरीके से स्कैटर्ड करता है, लाइट को फैला देता है। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल ने क्या किया, लाइट को क्या कर दिया, फैला दिया, जिसके कारण ये लाइट का पाथ जो है हमको कैसा प्रतीत हो रहा है, चमकीला प्रतीत हो रहा है। तो एक कोण बन गया, इस कोण को हमने टिंडल कोण बोला, और ये जो इफेक्ट होगा इस इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ये इफेक्ट हमारा टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्यूशन। तो देखो सर, ये जो हमारा फेरिक ऑक्साइड सोल जो है वो बनता कैसे है, जब फेरिक क्लोराइड जो है इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं तो FeOH होल थ्राइस और HCl जो है वो बनता है। इक्वेशन को हम कर लेंगे बैलेंस, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो सोल है इसमें और इसमें कौन सा आयन कॉमन है, तो इधर Fe+3 आयन है और इधर भी Fe+3 आयन है। तो होता ये है कि जब इसका फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है तो ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल सॉल्यूशन में जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उस पे Fe+3 चार्ज जो है वो डिपोजिशन हो जाता है, जिस कारण हमारा ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहां पे Fe+3 आयन जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो आयन कॉमन होता है वही आयन जो है वो डिपॉजिट होगा, तो Fe+3 आयन कॉमन था तो वही डिपॉजिट हो गया, जिसके कारण हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब चूंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसके कारण पूरा हमारा कोलाइडल जो है वो कैसा होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल रहता है।
लेकिन जब हमने इसमें क्या कर दिया, NaCl डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो सोडियम क्लोराइड का जो क्लोरीन वाला पार्ट है नेगेटिव, तो ये Fe प्लस थ्री से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा FeCl3 फिर से बना लेगा। तो ये सारे के सारे जो आयन जो डिपॉजिट हुए थे वो सब के सब मिलके क्या बना लेंगे, FeCl3 बना लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट फिर से बन जाएगा। और ये कैसा हो गया, अब ये हो गया न्यूट्रल, यहाँ पे कोई भी चार्ज का डिपोजिशन नहीं हुआ क्योंकि सारा चार्ज जो है वो क्लोराइड आयन जो है वो ले जा चुका है। अब ये न्यूट्रल हो गया, तो ऐसे फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो न्यूट्रल फेरिक हाइड्रोक्साइड आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और एक हैवी मास जो है वो बना लेंगे, जिसके कारण ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो हमारा कोलाइडल क्या हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो क्या होगा, तो देखो जरा, ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन हम ले लेंगे, तो ये हमारी एक यू ट्यूब है, ये यू शेप्ड ट्यूब है और इस ट्यूब में हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो भर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। क्यों चार्ज है पॉजिटिवली, क्योंकि Fe प्लस थ्री आयन इस पे डिपॉजिट थे। अब हमने यहां पे दो इलेक्ट्रोड जो है वो लगा दिए और इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हमने स्विच को ऑन कर दिया, मतलब करंट फ्लो होगा, अब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये कोलाइडल जो पार्टिकल है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो कहां जाएगा, नेगेटिव प्लेट की ओर भागेगा। तो ये जो पार्टिकल है सारे के सारे कहां जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, जाके क्या करेंगे, जाके वहां पे डिपॉजिट होंगे, तो ये न्यूट्रलाइज होंगे और क्या होंगे, यहां पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो टू टाइप का होता है, कैटाफोरेसिस एंड एनाफोरेसिस। अगर हमारा कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कैथोड की ओर जा रहा है तो ये हमारा कैटाफोरेसिस होगा, जैसा कि ये एग्जांपल है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट की ओर जाता, मतलब एनोड की ओर जाता, तो हमारा एनाफोरेसिस कहलाता। तो जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन इधर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, कोलाइडल सॉल्यूशन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, अगर हमारा डायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो फिर क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो किसी एक इलेक्ट्रोड प्लेट की ओर जाते हैं। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे, और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा नेगेटिवली चार्ज है तो पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5.16 है, व्हाट आर इमल्शन, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो हमारा इमल्शन जो है वो क्या कहलाता है, तो इमल्शन जो है वो लिक्विड लिक्विड का कोलाइडल सिस्टम होता है। जब दो इमिसिबल लिक्विड को सेक किया जाता है, उनको अच्छी तरीके से हिलाया जाता है, तो हमारे इमल्शन का फॉर्मेशन होता है। इमल्शन हमारे टू टाइप के होते हैं, पहला है ऑयल एंड वाटर टाइप, सेकंड है वाटर एंड ऑयल टाइप। तो ऑयल वाटर में क्या होता है, डिस्पर्स फेज ऑयल है और डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, इसका एग्जांपल जो है वो मिल्क है। वाटर ऑयल टाइप में डिस्पर्स फेज वाटर है, डिस्पर्सन मीडियम ऑयल है, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो बटर एंड कोल्ड क्रीम है। तो ये हमारा इमल्शन हो गया। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो नोट कर लेना, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम आर कॉल्ड इमल्शन, दीज आर फॉर्मड बाय सेकिंग द टू इमिसिबल लिक्विड विद ईच अदर, टाइप ऑफ इमल्शन नोट कर लीजिए।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5.17 है, हाउ डू इमल्सीफायर स्टेबलाइज इमल्सन, नेम टू इमल्सीफायर्स। तो हमारे इमल्सीफायर्स जिसको कि हम इमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं क्या कहलाते हैं, तो इमल्सीफायर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक इमल्सन को स्टेबलाइज करता है। अब इमल्सन जो है वो हमारे दो इमिसिबल लिक्विड जो हैं उनको मिक्स करने से, उनको सेक करने से बनता है। अब इमिसिबल लिक्विड जो है वो हमने मिक्स तो कर दिए, लेकिन जैसे ही आप उनको थोड़ी देर रखे रहोगे वो कैसे हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो हमारा इमल्सन जो है वो कैसा हो जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो इमल्सीफायर ही दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में जोड़ के रखता है। तो हमारा इमल्सन जो है ऑयल एंड वाटर का होता है, ठीक है। अब देखो जरा, ये ऑयल एंड वाटर जब मिक्स होते हैं तो हमारा इमल्सन जो है वो बनता है। ऑयल जो है हमारा ऑर्गेनिक होता है और वाटर हमारा इनऑर्गेनिक होता है। अब ये हमारा एक बीकर है, इस बीकर में हमने पानी भरा और ऑयल भरा। अभी कैसे हैं ये, सेपरेटेड हैं, लेकिन जब हम इसको सेक करेंगे, ठीक है, तो सेक करने पे क्या होगा, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स हो गए ऑयल एंड वाटर जो है वो मिक्स हो गया। तो ये देखो हम ऑयल एंड वाटर को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिक्स हो गया। लेकिन जब आप इसको ऐसे रख देते तो एक या दो घंटे बाद जो है ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। तो ये आपस में अलग ना हो इसके लिए हम ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जो इनको बांधे रखे, इसको हम बोलते हैं इमल्सीफायर। तो आपका इमल्सीफायर आपका सोप हो सकता है, आपका इमल्सीफायर मोनो एंड डाइग्लिसराइड हो सकते हैं। तो मोनो एंड डाइग्लिसराइड भी आपका इमल्सीफायर होता है। आपका एग योक जो है, एल्ब्यूमिन, वो भी कैसा होता है, आपका इमल्सीफायर होता है। तो जो सोप एंड डिटर्जेंट हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये इमल्सन को कैसे स्टेबलाइज करता है। तो देखो जरा, हमारा सोप जो है इसका फॉर्मूला C17H35COONA, ये हमारा सोडियम स्टीरेट कहलाता है। ये जैसे ही आप पानी में डालोगे तो ये कैसा होता है, आयनाइज हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव बनाएगा और ये C17H35COO नेगेटिव बनाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा हो जाएगा, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। सेवनटीन कार्बन है, तो देखो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पंद्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां। तो सत्रह तो ये कार्बन हो गए। फिर ये सी ओ ओ नेगेटिव पार्ट, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो हम इसको ऐसा बना देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, और सी ओ नेगेटिव की जगह हमने ऐसा माउथ बना दिया और ये नेगेटिव है, इसको हमने ऐसा बना दिया। तो ये हमारा सोप हो गया। अब जो हमारा ऑयल एंड वाटर है, तो ये हमारा वाटर है और ये हम ऑयल फिल कर देते हैं। अब देखो ये तेल वाला पार्ट तो किसमें डिसॉल्व होगा, ऑयल में, और ये वाला पार्ट किसमें डिसॉल्व होगा, वाटर में। तो ये ऐसा हो जाएगा,
इस कारण ऑयल और वाटर आपस में कैसे होते हैं, मिक्स होते हैं। तो सोप हमारा क्या हो गया, एक इमल्सीफायर हो गया जो ऑयल एंड वाटर को क्या कर देता है, आपस में जोड़े रखता है। तो जैसे आपने ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ये हमने मिक्स कर दिया, इमल्शन तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा सोप डाल दोगे, सोप सॉल्यूशन डाल दोगे, तो क्या होगा, सोप सॉल्यूशन ऑयल एंड वाटर को क्या करेगा, जोड़े रखेगा। तो ऑयल एंड वाटर को जोड़े रखना ये सोप का काम है, ये इमल्सीफायर का काम होता है, जिसके कारण हमारा इमल्शन जो है वो कैसा होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो बात समझ में आ गई कि इमल्सीफायर जो है इमल्शन को कैसे स्टेबलाइज करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.18 है, एक्शन ऑफ सोप ड्यू टू इमल्सिफिकेशन एंड मिसेल फॉर्मेशन कमेंट। तो सोप का जो एक्शन है वो इमल्सिफिकेशन एंड मिसेल फॉर्मेशन के कारण होता है, आपको कमेंट करना है। तो देखो जरा, ये सपोज कि हमारा एक रूमाल है, ये सफेद रूमाल है, और इस सफेद रूमाल पे जो है वो दाग लग गया, ये हमारा ऑयल है, अब सफेद रूमाल पे ऑयल का दाग जो है वो लग गया, अब हम क्या करेंगे, इस रूमाल को पानी में भिगोएंगे, तो ये ऑयल एंड वाटर का क्या बन जाएगा, इमल्शन बन जाएगा। अब इस पे हम क्या करेंगे, साबुन जो है वो रगड़ेंगे। अब साबुन रगड़ने पे होगा क्या कि जो हमारा सोप होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो जो हमारा हेड है ये तो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल पार्ट कहलाता है, और ये वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट ऑयल सॉल्युबल होता है, ऑयल में ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो होगा क्या कि मिसेल जो है वो बनेगा, मिसेल कैसा बनेगा, ये हेड है, ये वाटर में सॉल्युबल है ऑयल में, टेल पार्ट, ये हेड 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 है ऑयल में, टेल पार्ट। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा मिसेल, इसको हम बोलते हैं मिसेल। अब क्या होता है, हमने इसको ऐसे ऐसे रगड़ा, मिसेल बन गया, हम क्या करते हैं, इस रूमाल को ऐसे पानी में बाल्टी में यूं यूं करते हैं, तो क्या होता है, वाटर की स्ट्रीम बन जाती है। अब वाटर की स्ट्रीम बनेगी तो क्या होता है, ये हेड वाला पार्ट जो है वो वाटर के साथ क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। तो ये हेड वाला पार्ट वाटर के साथ क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये जो टेल है इसमें कुछ ऑयल पार्ट जो है वो चिपक जाता है, जिसके कारण हमारा हैंकी जो है वो कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है, हमारा रूमाल जो है वो साफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेल पार्ट जो है वो सारा का सारा ऑयल जो है वो खींच के बाहर ले जाएगा, पानी के साथ बह के निकल जाएगा, तो हैंकी जो है वो साफ हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5.19 है, गिव फोर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के हमें फोर एग्जांपल बताने हैं। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब है कि जो आपका कैटालिस्ट लिया है और जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल SO2 O2 से SO3 बना, ये सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण की हमारी कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, यहाँ पे प्लेटिनम कैटलिस्ट जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे प्लेटिनम तो सॉलिड स्टेट में है, जबकि रिएक्टेंट हमारे SO2 एंड ऑक्सीजन ये गैसेस फॉर्म में होता है, और SO3 जो बना वो भी गैसेस फॉर्म में होता है। यहाँ पे एक कैटलिस्ट V2O5 भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम, जो कि कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। फिर सेकेंड है
नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना अमोनिया, ये अमोनिया फॉर्मेशन की हैबर प्रोसेस हो गई। यहाँ पे आयरन सॉलिड फॉर्म में है जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस में है और अमोनिया बना वो भी गैसीय स्टेट में है। तो थर्ड है अमोनिया ऑक्सीजन से NO एंड H2O बना। यहाँ पे प्लैटिनम कैटलिस्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, NO गैस है और H2O भी गैसेस है। तो ये प्रोसेस हमारी लेड चैम्बर प्रोसेस में NO का फॉर्मेशन किया जाता है। NO जो है वो कैटेलाइज करता है किसको, SO2 ऑक्सीजन से बनता है SO3। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे यहाँ पे NO जो है वो कैटलिस्ट होता है, फिर SO3 वाटर से कंबाइन होता है तो H2SO4 बनता है। ये हमारी लेड चैम्बर प्रोसेस है। लेकिन ये एक होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट गैस है, प्रोडक्ट बना वो भी गैस है और जो हमने कैटलिस्ट लिया वो भी क्या है, गैस है। तो ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल नहीं है, ये तो होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। फिर फोर्थ नंबर की प्रोसेस है, ये हमारी वाटर गैस कहलाती है, CO+H2 ये वाटर गैस कहलाती है। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, मिथेनॉल लिक्विड है, वाटर गैस गैसियस स्टेट में होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है। जो जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में है जो कि कैटलिस्ट होते हैं। वाटर गैस में जब स्टीम पास किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड तो CO2 एंड H2 का फॉर्मेशन होता है। ये हाइड्रोजन फॉर्मेशन की मैथड है। तो इस मेथड के थ्रू हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये गैस है, ये गैस है, प्रोडक्ट भी हमारे गैस है और कैटलिस्ट जो है वो क्या है, उस सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हमारे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल हो गए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5.20 है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी जो है वो क्या कहलाती है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट को क्या करता है, एडजॉर्ब करता है, जिस कारण रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होंगे तो वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, इससे रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है, तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जहां पे हम हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। अब हाइड्रोजन का एडिशन या तो किसी कंपाउंड में हो या फिर किसी एलिमेंट में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बना अमोनिया, ये एक हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। यहां पे कैटलिस्ट जो है वो आयरन यूज करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना H2O, प्लैटिनम कैटलिस्ट आपने यूज कर लिया, जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन का एडिशन कराया, यहां पे निकेल प्लैटिनम पैलेडियम, इनमें से कोई एक कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो, चाहे निकेल यूज कर सकते हो, चाहे प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो एथीन से हमारा इथेन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो ये हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो है वो उसमें ग्रुप 5 to 11, ग्रुप 5 और ग्रुप 11 के बीच जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड सरफेस होती है जहां पे रिएक्टेंट जो है वो क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे। जब रिएक्टेंट एडजॉर्ब होंगे, जैसे मान लीजिए आयरन कैटलिस्ट है, यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे, जिस कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्ट करेंगे आपस में और क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया बाहर निकल जाएगी, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब होंगे, फिर अमोनिया बनेगा, अमोनिया बाहर निकलेगा, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब होंगे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है। तो ये तो हमारी एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट हो गया।
तो अब हम सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट समझेंगे कि हमारी सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या कहलाता है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो ये हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है, हाइड्रोजन ये गैस है, दोनों के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करें कि हमें प्रोडक्ट में मीथेन मिले। अगर आपको मीथेन नहीं चाहिए, अगर आपको मिथेनॉल चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से आपको चाहिए मिथेनॉल CH3OH। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से जो है फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फिर तीनों ही जगह कैटलिस्ट अलग अलग होंगे। एक ही कैटलिस्ट जो है वो मीथेन, मिथेनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड नहीं दे सकता। अगर आपको यहां पे मीथेन एंड वाटर चाहिए तो यहां पे हमें निकिल कैटलिस्ट यूज करना होगा। अगर आपको मिथेनॉल चाहिए इनसे तो आपको जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट यूज करना होगा। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो यहाँ पे कॉपर कैटलिस्ट यूज करना होगा। तो ये हमारी सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट होती है। तो रिएक्टेंट से हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आपको उस हिसाब का कैटलिस्ट जो है वो लेना होगा। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से मीथेन चाहिए तो हमें निकिल लेना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से हमें मिथेनॉल चाहिए तो आपको जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड लेना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से हमें फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो आपको कॉपर कैटलिस्ट लेना होगा। तो इनकी फिजिकल स्टेट तो हमने लिख दी है, इनकी भी लिख देते हैं, ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस। तो ये हमारी सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5.21 है, डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट। तो जियोलाइट कैटालिसिस के कुछ फीचर्स जो है वो हमें डिस्कस करने हैं। तो जो आपका जियोलाइट होता है ये आपका शेप्ड कैटालिस्ट है। इसका शेप जो है वो हनीकॉम्ब होता है। ये हनीकॉम्ब शेप का कैटालिस्ट है। अब चूंकि हनीकॉम्ब कैटालिस्ट मतलब इसकी सरफेस पे स्मूथ नहीं होगी सरफेस, ऐसे ऐसे गड्ढे होंगे जिससे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो गैसें जो एडजॉर्ब होंगी वो कैसी होंगी, ज्यादा मात्रा में एडजॉर्ब होंगी। रिएक्टेंट ज्यादा एडजॉर्ब होंगे तो प्रोडक्ट भी हमारे ज्यादा बनेंगे। तो यही कारण है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन रेट को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। तो जियोलाइट हमारा शेप्ड कैटलिस्ट है, इसका शेप हनीकॉम्ब जैसा होता है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो है, एक हमारा कंपाउंड होता है सिलिकॉन, इसका 3D स्ट्रक्चर में यूनिट होती है SiOSi। तो कुछ सिलिकॉन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं, किससे रिप्लेस होते हैं, एल्यूमिनियम के थ्रू रिप्लेस होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी AlOSi यूनिट होती है जो 3D फ्रेमवर्क का निर्माण करती है। फिर थर्ड है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड होता है कैटलिस्ट के पोर साइज पे डिपेंड होता है कि कैटलिस्ट जो है वो कितना पोरस है, मतलब उसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करता है रिएक्टेंट के साइज पे और प्रोडक्ट के साइज पे भी। तो जो हमारे रिएक्शन है, जो रिएक्शन रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कैटलिस्ट के पोर साइज पे और साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनके साइज पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा जियोलाइट कैटलिस्ट है इसका पेट्रोकेमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन कराते हैं ZSM5 कैटलिस्ट। तो ये डिहाइड्रेशन पे हमको पेट्रोल देता है,
जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं। तो ये हमारा जियोलाइट कैटालिस्ट हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5.22 है, व्हाट इज सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस। तो सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस का एग्जांपल हमारा जियोलाइट है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 5.21 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर साइज ऑफ द कैटालिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस। और एग्जांपल जो है इसका क्या है, जियोलाइट। और जियोलाइट के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 5.23, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड है कोएगुलेशन, थर्ड है डायलिसिस, फोर्थ है टिंडर इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिफाइन करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहलाता है। तो जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो हमारा लायोफोबिक होता है, लायोफोबिक पे या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है या ये नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज जरूर होता है। तो अगर हम पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल की बात करें तो इनमें ऑक्साइड आता है टाइटेनियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड जैसे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपका यहां पे हीमोग्लोबिन। तो ये आपके पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल हैं। और जो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज में आपका मेटल आता है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर सोल। तो ये सोल जो है आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, या आपके सल्फाइड होते हैं जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड, ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर मान लीजिए हमने यहां पे क्या किया, फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब हमें पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसके कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कहां जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की ओर जाएंगे, कैथोड की ओर जो है वो मूव करेंगे। तो ये तो हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, ये एनोड और ये कैथोड है। तो ये पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, और क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये भैया देखो ये जा रहे हैं, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या करेगा अपना चार्ज को यहां पे लॉस कर देगा। चार्ज को लूज करने के बाद ये यहां पे क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, मतलब यहां पे इनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है, डिस्पर्स फेज है, वो किसी एक डायरेक्शन में किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर मूव करती है, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अगर कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कैथोड की ओर मूव कर रही है तो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो कैटाफोरेसिस कहलाता है। अब यहां पे हमने आर्सेनिक सल्फाइड ले लिया, हमको पता है कि ये हमारा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल होता है, तो ये कहां जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा। तो यहां पे जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने चार्ज को लूज करेगा, चार्ज को लूज करने पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होने पे यहां पे कलेक्ट हो जाएगा, तो यहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो चूंकि कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कहां जा रहे हैं, एनोड की ओर मूव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनाफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा एनाफोरेसिस कहलाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम एक यू शेप ट्यूब लेंगे, उसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन भरेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रोड सस्पेंडेड कर देंगे, तो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कोलाइडल पार्टिकल का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर मूव करना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कैथोड पे मूव कर रहे हैं तो उसको हम कैटाफोरेसिस बोलते हैं, अगर कोलाइडल पार्टिकल एनोड की ओर मूव कर रहा है तो उसको हम एनाफोरेसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा टू टाइप का हो गया, कैटाफोरेसिस एंड एनाफोरेसिस। इसके बाद हमें कोएगुलेशन एक्सप्लेन करना है, हमारा कोएगुलेशन जो है वो क्या कहलाता है।
तो जब हम किसी कोलाइडर सॉल्यूशन में, स्पेशली हमारा लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशन हो, उसमें हम थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट की 4, 6, 8, 10 ड्रॉप डालते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा कोलाइडर सॉल्यूशन जो है वो कोएगुलेट हो गया, उसका प्रेसिपिटेट बन गया। तो ये प्रेसिपिटेट जो है वो क्यों बनता है, तो हमको पता है कि लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज कहाँ से आता है और इनका कोएगुलेशन क्यों होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो जरा, ये हम AS2S3 सोल जो है ये हम बना रहे हैं, इसका कोलाइडर सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो जब हमारा आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो AS2S3 बनता है और बनेगा H2। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे सल्फर 3 है तो सल्फर को 3 कर लेंगे, हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए 3H2O कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो देखो जरा, ये आर्सेनिक सल्फाइड ये हमारा कोलाइडर सॉल्यूशन जो है वो बन गया है। अब इसमें और इसमें कौन सा आयन कॉमन है, इधर तो H पॉजिटिव S-2 है, इधर पे As+3 और S-2 है, तो दोनों में सल्फाइड आयन कॉमन है, तो जो हमारा आर्सेनिक सल्फाइड होता है ये हमारा As2S3 है, इस आर्सेनिक सल्फाइड पे सल्फर आयन S-2 आयन जो है वो एडजॉर्ब हो जाता है, उसके डिपोजिशन के कारण ये कोलाइडर सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस बीकर में हमने आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो भर दिया है, ये कोलाइडर पार्टिकल हैं, सभी पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इस कारण ये दूर दूर रहेंगे, तो ये सोल जो है वो हमारा स्टेबल होता है। लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, ठीक है, जब हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो सपोज हमने सोडियम क्लोराइड इसमें डाल दिया, अब सोडियम क्लोराइड हमने डाल दिया तो ये कैसा है हमारा, ये तो हमारा नेगेटिवली चार्ज है, ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन, इसका पॉजिटिव आयन क्या है, Na पॉजिटिव, तो इसका Na पॉजिटिव जो है इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो होता यह है कि Na पॉजिटिव जो है वो सल्फाइड आयन से रिएक्ट करके Na2S बना लेता है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा As2S3, इस पे कोई भी आयन डिपॉजिट नहीं रह पाएगा, और जब कोई भी आयन डिपॉजिट नहीं होगा तो ये कैसा हो गया हमारा, न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब ये न्यूट्रल हो गए तो ये आपस में पास पास आएंगे तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे तो हैवी मास का फॉर्मेशन करते हैं जो कि प्रेसिपिटेट होता है। तो ये प्रेसिपिटेट ऐसे बना लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन। तो जो हमारा कोलाइडर सॉल्यूशन है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने के कारण जो हमारा कोलाइडर सॉल्यूशन है वो कोएगुलेट हो जाता है, उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन। जो हमारा FeOH होल थ्राइस सोल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडर सॉल्यूशन बनता कैसे है, कि FeCl3 की रिएक्शन होती है वाटर से तो बनता है FeOH होल थ्राइस और बनेगा HCl। इक्वेशन को कर लेते हैं बैलेंस, इधर पे हम 3 लगाएंगे क्योंकि OH3 है, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा कोलाइडर सॉल्यूशन जो है वो बन गया, तो इधर पे देखो ये Fe+3 और Cl नेगेटिव और ये आयनाइज होगा Fe+3 एंड OH नेगेटिव, तो दोनों में कौन सा आयन कॉमन है, तो यहाँ पे ये Fe+3 आयन जो है वो क्या है, कॉमन है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड इस पे क्या होगा, Fe3 आयन जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, जिस कारण ये हमारा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव सोल बन जाएगा, पॉजिटिव कोलाइडर सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। तो बस ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है,
इसके जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडर पार्टिकल्स वो कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, इस कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन के कारण कोलाइडर सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, स्टेबल रहता है, तो ये हमारा स्टेबल होगा। लेकिन जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सब कुछ सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन जो है, मतलब क्लोराइड आयन जो है, इससे रिएक्ट करेगा, तो Cl नेगेटिव इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, FeCl3 बनाएगा। तो सारे के सारे Fe+3 आयन जो है वो क्या हो जाएंगे, FeCl3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो ये सारे के सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड, न्यूट्रल फेरिक हाइड्रोक्साइड आपस में क्या होंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। एग्रीगेशन पे क्या होंगे, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब यहाँ पे कोएगुलेशन हो जाता है। तो अगर हमारा लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन उसको कोएगुलेट करेगा, और अगर हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन उसको कोएगुलेट करेगा। तो किसी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ा सा अमाउंट डाला जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा कोएगुलेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। इसके बाद हमारा जो थर्ड टर्म है डायलिसिस, तो डायलिसिस के थ्रू हम कोलाइडर सॉल्यूशन को प्योर करते हैं। कोलाइडर सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन जो है वो डायलिसिस के थ्रू किया जाता है। कोलाइडर सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालना, इसी को हम डायलिसिस बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल था तो कैसे बना था, FeCl3 और H2O की रिएक्शन से बना था। क्या बना था, FeOH थ्राइस, ये तुम्हारा कोलाइडर सॉल्यूशन हो गया और HCl था, इक्वेशन को हमने बैलेंस किया था। अब ये जो कोलाइडर सॉल्यूशन बना है, ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है, इसमें क्या है, HCl मिक्स है। तब ये जो कोलाइडर सॉल्यूशन बना है इससे हमें HCl को बाहर निकालना है, तो ये क्या करेगा, HCl इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो हम करते क्या है, एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन ले लेते हैं, एक एनिमल मेम्ब्रेन ले लेते हैं। इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन में हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो भर देते हैं, जिसको हमें प्योर करना होता है, और इसको हम एक वाटर टैंक में जो है वो लटका देते हैं। तो पानी से भरे टैंक में हम क्या कर देते हैं, इसको लटका देंगे। तो ये तो हमारा एनिमल मेम्ब्रेन हो गया, जिसको कि हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस एनिमल मेम्ब्रेन से कोलाइडर पार्टिकल बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोलाइट जरूर बाहर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का साइज जो है वो छोटा होता है, कोलाइडर पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा होता है। तो जैसे ही हमने इसको पानी में लटका दिया, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या हो गए, वो बाहर निकलना शुरू हो गए। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल में क्या था, HCl था, तो HCl जो है यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पानी में चला जाएगा। इस वाटर को हम कंटिन्यू जो है वो बदलते रहते हैं, तो पानी को इन और आउट जो है आपको कंटिन्यू करना है, ताकि हमारी प्रोसेस जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाए। आपको प्रोसेस और ज्यादा फास्ट करानी है तो आप क्या करो, यहां पे दो इलेक्ट्रोड लगा दो। हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। तो होगा क्या, जो हमारा इसके अंदर HCl था, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा और H पॉजिटिव यहां से अट्रैक्ट होगा, तो HCl जो है वो बहुत जल्दी से बाहर निकलेगा। तो ये हमारी डायलिसिस प्रोसेस हो गई। डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी कोलाइडर सॉल्यूशन
को इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट फ्री कर देते हैं, जिससे हमारा क्लोराइड सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। फिर हमारे फोर्थ टर्म है टिंडल इफेक्ट। तो हमारा टिंडल इफेक्ट क्या कहलाता है, तो जब हम किसी क्लोराइड सॉल्यूशन में लाइट की एक बीम पास कराते हैं और उस लाइट की बीम के पाथ को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो लाइट की बीम का पाथ हमको चमकीला प्रतीत होता है, चमकीला नजर आता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो जरा, आपको एक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है एक बीकर में ले लेना है, ठीक है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया और लाइट की एक बीम जो है इसमें से हमें पास करानी है, तो हमने कैंडल जो है वो बर्न की। कैंडल जलाई और एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। लाइट जो है वो इस लेंस से पास होके कोलाइडर सॉल्यूशन में एंटर करेगी। जब हम इस लाइट बीम के पाथ को एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं राइट एंगल पे, मतलब ये बीम है और जो हमारी आंख है उसके बीच 90 का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का। तो हमने देखा तो लाइट का ये पाथ जो है, पूरा का पूरा पाथ जो है वो हमको चमकीला नजर आने लगा। तो कोलाइडर सॉल्यूशन में लाइट की जो बीम होती है वो चमकीली हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब ऐसा होता क्यों है, हमें पता है जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। अब इस साइज का पार्टिकल जो है वो लाइट के पार्टिकल को क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है। तो लाइट जैसे इस पार्टिकल पर टकराती है इसको क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, मतलब लाइट को फैला देता है। अब लाइट को फैला देता है तो क्या होता है, ये पूरा पाथ हमको क्या होता है, चमकीला नजर आता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5.24 है कि 4 यूजेस ऑफ इमल्सन। तो इमल्सन के हमें 4 यूज जो है वो बताने हैं। तो पहला यूज है मिल्क। मिल्क एक इमल्सन होता है जब फैट जो है वो वाटर में डिजोल्व होता है, और आपको पता है कि मिल्क जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। सेकेंड है क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं वो ऑयली डर्ट के साथ इमल्सन बनाते हैं, जिससे हमारा कपड़ा जो है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। थर्ड यूज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर का जब हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो प्रोसेस होती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, वहां भी ऑयल एंड वाटर का इमल्सन बनता है, जिससे हम सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फोर्थ है जो हमारे कॉस्मेटिक होते हैं, जो हमारे लोशन होते हैं, जो हमारे ऑइंटमेंट होते हैं, जो हमारी एयर टाइट होती है, ये इमल्सन फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये हमारे इमल्सन के 4 यूज हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.25, व्हाट आर मिसेल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मिसेलर सिस्टम। तो हमें बताना है कि मिसेल्स हमारा क्या कहलाता है और मिसेलर सिस्टम का हमें एक एग्जांपल देना है। तो जब हमारा कोई कोलाइडल पार्टिकल जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं, तो ऐसा कोलाइडल पार्टिकल एग्रीगेशन पे मिसेल जो है वो बनाता है, और मिसेलर सिस्टम का हमारा एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन। तो जो हमारा सोप का पार्टिकल्स होता है उसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं, इस कारण ये जो है मिसेल का फॉर्मेशन करता है। तो देखो जरा, जो हमारा सोप है इसका फॉर्मूला है C17H35COOMa, इसको हम सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। जब ये वाटर में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो ये C17H35COO- और Na+ पार्ट बनाएगा।
तो इसका ये C17H35 ये तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है और COO नेगेटिव ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो C17H35 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पहला कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये टेन, ये एलेवन, ये ट्वेल्व, ये थर्टीन, ये फोर्टीन, ये फिफ्टीन, ये सिक्सटीन, ये सेवनटीन। तो सेवनटीन कार्बन होगा C17 और COO नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट तो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है, ये टेल पार्ट है इधर से लेके इधर तक, तो ये हाइड्रोफोबिक होगा। और ये वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये माउथ है। तो COO नेगेटिव को हम लोग ये माउथ बना दिया, ये नेगेटिव चार्ज तो हमने ये नेगेटिव लगा दिया। अब जैसे ही आपने वाटर में जो है वो सोप डाल दिया, तो ये वाटर भरा हुआ है और आपने इसमें सोप डाल दिया, तो ये हेड पार्ट तो वाटर में डिजोल्व होगा, टेल पार्ट जो है वो बाहर होगा। हेड पार्ट वाटर में डिसॉल्व होगा, टेल पार्ट बाहर होगा, हेड पार्ट डिसॉल्व होगा, टेल पार्ट बाहर होगा, ठीक है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, तो जो हमारा सोप सॉल्यूशन जो है लो कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन हम हाई कर देते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन हाई करना है, कितना हाई करना है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन CMC क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से अबव हो जाए। और ये कॉन्सेंट्रेशन हाई कैसे होगा, जब हम टेम्परेचर को हाई करेंगे, तो इसका टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से कैसा हो जाए, हाई हो जाए। तो ये हमारा क्राफ्ट टेम्परेचर है और ये हमारा क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्राफ्ट टेम्परेचर से अबव एंड क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से अबव अगर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तो सोप सॉल्यूशन हमारा कैसा बिहेव करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, तो ये वाटर में इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, वाटर में इसका एग्रीगेशन जो है वो हो जाएगा। तो टेल पार्ट ये, माउथ ये, टेल ये, माउथ ये, टेल ये, माउथ ये। तो टेल जो है वो सेंट्रल में रहेगी, माउथ जो है वो पेरिफेरी में रहेगा, तो ये हमारा मिसेलर सिस्टम जो है वो बन जाता है। तो ये बन गया हमारा मिसेल। जब कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाता है, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से अबव एंड टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से अबव हो जाता है, तो सोप सॉल्यूशन एक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगता है और कोलाइडल पार्टिकल ऐसे एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं वाटर में। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5.26 है, एक्सप्लेन द टर्म विद सुटेबल एग्जांपल। पहला है एल्कोसोल, सेकंड है एरोसोल, थर्ड है हाइड्रोसोल। तो जो हमारा कोलाइडल सिस्टम का नाम होता है वो डिस्पर्शन मीडियम पे पड़ता है, तो एल्कोसोल मतलब यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम जो है वो एल्कोहल है, एरोसोल मतलब यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम एयर है मतलब गैस है, और हाइड्रोसोल मतलब यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम हमारा वाटर है। और डिस्पर्शन फेज कैसे पता चलेगी, जो सोल है ये इंडिकेट करता है कि हमारी डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कोसोल को। एल्कोसोल मतलब यहां पे डिस्पर्शन मीडियम जो है वो हमारा एल्कोहल है और डिस्पर्स्ड फेज जो है वो कोई सॉलिड है। इसका एग्जांपल जो है वो है सेल्यूलोस नाइट्रेट, इन एल्कोहल। फिर हम सेकंड देखते हैं एरोसोल,
मतलब यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम जो है वो एयर है, मतलब एक गैस है, और डिस्पर्स्ड फेस जो है वो आपकी सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। तो जब सॉलिड एयर में सस्पेंडेड हो तो हमारा एरोसोल बनता है, अगर लिक्विड भी एयर में सस्पेंडेड है तो भी एरोसोल बनता है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड सस्पेंडेड इन एयर, तो जो हमारे डस्ट हैं, जो हमारा स्मोक है, तो ये सॉलिड जो है इन एयर, और जो हमारा मिस्ट है, जो हमारा फॉग है, जो क्लाउड है, ये है लिक्विड इन एयर। एयर में जब लिक्विड सस्पेंडेड होती है तो मिस्ट, फॉग, क्लाउड बनता है, अगर सॉलिड सस्पेंडेड है तो डस्ट, स्मोक बनता है। ठीक है, फिर थर्ड लिख लेते हैं हाइड्रोसोल, जिसको कि हम एक्वासोल बोलते हैं। अब इसमें डिस्पर्शन मीडियम तो है वाटर, मतलब एक लिक्विड होगा, और डिस्पोज्ड फेस जो है वो सॉलिड है। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ब्लड हो गया। फिर एक और होता है, वो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में नहीं दिया, बेंजोसोल। मतलब यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन है और डिस्पर्स फेस कोई सॉलिड है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5.27 है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट कोलाइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो हमें ये बताना है कि कोलाइड जो है वो हमारा एक सब्सटेंस नहीं है बट स्टेट ऑफ सब्सटेंस है। कैसे आप बताओगे? तो देखो जरा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे थॉमस ग्राहम है। इन्होंने सब्सटेंस को जो है वो दो टाइप में डिवाइड किया। थॉमस ग्राहम के अनुसार सब्सटेंस जो है वो टू टाइप के होते हैं, एक तो क्रिस्टलॉइड और दूसरा कोलाइड्स कहलाते हैं। क्रिस्टलॉइड को आप टू सॉल्यूशन कह सकते हो। थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंस को टू कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रिस्टलाइड एंड कोलाइड्स। तो जो हमारा NaCl है, NaCl को अगर आपने पानी में डाल दिया, ये वाटर है और आपने इसमें NaCl डाल दिया, तो ये हमारा बनता है क्रिस्टलॉइड, मतलब एक ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। और अगर आपने NaCl को बेंजीन में डाल दिया, ये बेंजीन है, फॉर्मूला C6H6 होता है, इसमें आपने NaCl डाल दिया, तो ये हमारा कोलाइड बनता है। तो अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो NaCl डालने पे क्रिस्टलॉइड बनता है, और अगर आपका सॉल्वेंट बेंजीन है तो NaCl डालोगे तो कोलाइड बनता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये पार्टिकल के साइज पे डिपेंड कर रहा है। अगर पार्टिकल का साइज जो है वो कितना है, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच है, तो हमारा कोलाइड बनेगा, और अगर 1 नैनोमीटर से डाउन हो गया तो क्रिस्टलॉइड बनता है। 100 नैनोमीटर से अब तो सस्पेंशन बनता है। तो क्योंकि वाटर में NaCl के पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है, इस कारण वो क्रिस्टलॉइड बनाता है, और बेंजीन में NaCl पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच रहता है, इस कारण यहाँ पे कोलाइड बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कोलाइड होता है वो एक सब्सटेंस नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5.20 से 5.27 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।